This is your new chapter, Input and Output Devices. In first class, we have learned what is computer and different types of computer. So in this class, we will learn what is input and output devices. Okay? So we can see that in your book, there are three persons. We are seeing one girl, one boy and a robot. Okay, so what they are talking? Girl says, these help. Hey Aditi, what are these devices connected to your computer? Girl says, these help me tell the computer what I want it to do and what I need from it. Yes, like we use our eyes and ears to understand and mouth and hands to convey information. So these devices help us send message in and out of the computer. Okay, so here जो girl and boy है वो आपस में discussion कर रहे हैं कि input and output क्या होते हैं. Okay, तो input means जिससे हम कुछ computer में in करते हैं, means अंदर देते हैं, उसको देते हैं. एंड आउट जो हमें मिलता है, आउट आता है, बाहर आता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट. जस्ट लाइक आईज एंड ईयर्स. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इट हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एटसेट्रा. पर होते हैं ना, आपने देखे अपने computer is an electronic machine. It has different parts like monitor, keyboard, mouse, CPU, cabinet. Okay? And each part has a particular function. Just like humans have. जैसे कि हमारी eyes किस लिए होती हैं? To see, ears to hear, tongue to taste, nose to smell. उसी तरह से computers के parts के भी अलग अलग work होते हैं. Keyboard type करने के लिए होता है. और जो स्पीकर होते हैं वो सुनने के लिए होते हैं. ओके, मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है जो भी हमारा आउटपुट आता है, जो भी जैसे मूवीज़ देखना होती हैं तो वो सब हमें कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पे. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइस. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइस. सो व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? Input device help us to give our commands to computer. Okay, we can tell the computer what to do with the help of a keyboard and a mouse. जैसे हमें कुछ टाइप करना है तो हम किससे करेंगे? कीबोर्ड से. हम कीबोर्ड पर K का बटन प्रेस करेंगे तो टाइप कहाँ पर दिखेगा हमें? मॉनिटर पे. ओके, माउस से हम क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से भी हमारी कोई ना कोई कमांड फॉलो होगी. So these parts allow us to give input to the computer or called input devices. जो भी functions हमारे instruction को computer तक पहुँचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? Input device. Okay, so few examples of input devices are keyboard, mouse, scanner, microphone, web camera, etc. Okay, first we will discuss about keyboard. What is keyboard? This is keyboard. Okay, you can see in your screen. This is keyboard. Okay, आपको इसमें बहुत सारे buttons दिखेंगे. A B C D लिखी हुई दिखेगी, 1 2 3 लिखी हुई दिखेगी. तो इसके थ्रू हम टाइपिंग कर सकते हैं. A keyboard has many buttons on it called keys. इनको हम क्या बोलते हैं? Keys. We use the keyboard to type and give instruction to the computer. ओके, तो हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. अ माउस इज़ यूज्ड टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट एन आइटम डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. ओके, तो माउस किस लिए यूज़ होता है? किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है. माउस किस लिए यूज़ होता है? किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माउस का. दैट इज़ देयर इज़ माउस. आप उस पर क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ पर माउस से. नाउ माइक्रोफोन, आपको जैसे सॉन्ग
अपना सॉन्ग कुछ रिकॉर्ड करना है, कोई वीडियो बनाना है, उसमें अपना साउंड डालना है अच्छे से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। स्कैनर, अब स्कैनर से आपको अपनी इमेज कंप्यूटर में चाहिए, पिक्चर आपके पास कोई उसको आपको कंप्यूटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्या करता है कि हम जो भी पिक्चर उस पर रखते हैं उसको स्कैन करके उसकी एग्जैक्ट कॉपी हमें कंप्यूटर में दे देता है। ओके, सो वेब कैमरा इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड और कैप्चर पिक्चर और अ वीडियो। अब वेब कैमरा किस लिए यूज़ होता है, पिक्चर रिकॉर्ड करने के लिए या कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और हम लोग जो फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आपको जैसे अपने फ्रेंड से बात करनी है ऑनलाइन वीडियो कॉल पर, तो आप वेब कैमरे के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो दिस ऑल आर योर इनपुट डिवाइसेस। ओके, नाउ वी कम टू आउटपुट डिवाइस। ओके, आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, द कंप्यूटर यूजेस आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर टू गिव आउटपुट्स। ओके, आपने देखा है ना, अपने हम लोग प्रोजेक्टर पे आपको फिल्म्स दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, कार्टून्स दिखाते हैं, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, हम आपको प्रिंटआउट्स निकाल कर देते हैं आपके पेपर्स के, आपके नोट्स के, दैट इज़ प्रिंटर। मॉनिटर, जिस पे आपको फिल्म दिखती है या जो भी आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं वो दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटर। जो टीवी जैसी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, वो होता है मॉनिटर। स्पीकर, जिससे हमें साउंड सुनाई देता है, हम गाने सुनते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो जिससे भी हमें आउटपुट मिलता है, जो चीज़ हमने कंप्यूटर के अंदर दी है उसका रिजल्ट हमें मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, नाउ फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर। तो मॉनिटर इज लुक्स लाइक अ टीवी, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। और जिस तरह से आपको टीवी पर दिखाई देता है, उस तरह से आपको मॉनिटर पर भी दिखाई देता है। आप कीबोर्ड की हेल्प से जो भी टाइप करोगे वो आपको कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर पे। अगर आपको सीडी लगाकर आप फिल्म देखोगे तो कहाँ दिखाई देगी, मॉनिटर पे। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटर। नाउ प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर हमारी हेल्प करता है हमारे रिटर्न चीज़ों को प्रिंट करके देने में। जैसे आपके एग्ज़ाम पेपर्स हम देते हैं आपको टाइप करके प्रिंट आउट्स निकाल के, तो वो टेक्स्ट और इमेजेस को हमें पेपर पर प्रिंट करके देता है। स्पीकर, वी कैन हियर साउंड और म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर थ्रू द स्पीकर। ओके, है ना, हम साउंड और म्यूजिक को स्पीकर से सुन सकते हैं। नाउ जब इन सबको हम असेंबल करते हैं, जब इन सबको हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारी एक पूरी कंप्यूटर डिवाइस बन जाती है, जो हमारा कंप्लीट हो जाता है कंप्यूटर। उस आपके सीपीयू में पीछे काफ़ी सारे आपको प्लग्स मिल जाएंगे, आप उनको कनेक्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर वन। नाउ हियर इज़ योर वर्कशीट, योर होमवर्क, दैट इज़ योर होमवर्क, लेट्स कलर एंड लर्न। ओके, इसमें आपको कलर करना है, लिखा हुआ है उसमें। माउस को आपको ब्लू कलर से करना है, कीबोर्ड को आपको येलो कलर से करना है, मॉनिटर आपको ग्रीन कलर से करना है, स्पीकर्स पे ऑरेंज करना है, प्रिंटर पे रेड करना है। अच्छे से कलर कीजिए, फिर हमें सेंड कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, आपको स्पेलिंग्स फिल करनी है, दैट इज़ कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर। सो यू कैन फिल द स्पेलिंग हियर लाइक कीबोर्ड। ओके, सो यू कैन फिल द स्पेलिंग्स हियर। हियर नेक्स्ट सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हियर सम क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट करना है कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ओके, सो फर्स्ट रीड द चैप्टर एंड we will send your notes and question answer in your PDF. Okay, thanks, have a nice day.